टू माई चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ, मैंने एक गिलास पानी पिया तो सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है, तो मुझे लग रहा है मैं पानी पी लूँ। और नहीं, अगर मैं नहीं पीऊँगी तो मैं भी पी जाऊँगी, तो फिर मैं चल रही पानी पीने। फिर उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है तो चाय पीऊँगी। और कौन सा पानी मैं पीती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे लोटा में रखी हूँ पानी, तो ये गिलास मेरा पानी हो गया, ले ली हूँ मैं। बताया मैं ठंडी में पीती हूँ, ठंडी में क्या है कि गुनगुना पानी चाहिए। आप लोग पानी पियोगे? मैं कुछ सोच के हंस रही थी। लेकिन ठंडी में क्या है ना, गुनगुना पानी चाहिए तो, लेकिन टाइम नहीं मिलता, देर के सो के जगती थी इसलिए बहुत कम हो पाता था। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने अपना यहाँ पे चाय लेना है। और हस्बैंड मेरे ना कौन सी सब्जी बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हस्बैंड की जितनी सब्जी, ये देखिए बैंगन है, इससे छोटा छोटा वो मार्केट से लेके आए हैं। और इसको बैंगन की ऐसे जो है डायरेक्टली इसको मतलब धुले, और धुलने के बाद काटे, और इसको मैं दो भाग कर दिए हैं, किसी किसी में चार भाग कर दिए हैं। और उसके बाद इसमें डायरेक्ट मसाला डाल के कलौजी की तरह ये बना रहे हैं। तो इसको मैंने स्लो फ्लेम में कर तो दिया है, वो हालांकि पहले से करके रखे थे। और मैं यहाँ पे जो है चाय पीने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ जब तक मैं चाय पी लूँगी और तब तक ये धीरे धीरे सब्जी पकती रहेगी। तो आप लोग चाय पियोगे? सुबह की चाय नहीं पीनी चाहिए, मुझे पता है, लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ भैया जी। मैं कोशिश करती हूँ कि चाय ना पीऊँ, हालांकि अब क्या ही बताऊँ आपको, तो खाली पेट मैं नहीं पीने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे ले ले रही हूँ बिस्किट, और बिस्किट के साथ पीऊँगी। ये देखिए मैंने लिया यहाँ पे बिस्किट, बिटानिया पार्ले जी है। हमको नहीं लगता कि ये मुझे दूर रहने देगी सब्जी, क्योंकि इसमें सूखा मसाला पड़ा हुआ है, इसमें पानी तो है नहीं, तो अगर ये अलटते पलटते नहीं रहेंगे तो ये जलने की संभावना पूरी पूरी रहती है। इसमें मिर्च वगैरह डाले हैं तो मेरे नाक में जो है जैसे लग रहा है भरा जा रहा है। ये देखिए ऐसे ही आती मुझे चीज, मुझे एलर्जी है ठंडे चीज़ों से, मुझे एलर्जी है ऐसे चीज़ों से जो इस तरह के हो, इस चीज़ तरह की चीज़ें हो उससे भी मुझे एलर्जी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी चाय को यहाँ पे ना चाय छान लिया था, तो जब चाय पत्ती अदरक हो तो फिर इस तरह से ना वो होता है, टिका रहता है छन्नी पे, ये टिका था। कहाँ चले गए तुम? ये मेरा नन्ना सा ट्रे मिल गया, तो मैंने लिया अपना ट्रे और यहाँ पे पीऊंगी चाय। जाते जाते एक बार फिर चला देती हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगी ना तो बैठ जाऊंगी, और बैठ जाऊंगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि उठने में थोड़ी ही लगेगी, यार क्या ही उठना।
और मैं आज ना सुबह सो के जब जगी, आज पता मैं कितने बजे सो के जगी, आज मैं 7:09 तक मैं बिस्तर पर थी। और मैं बिस्तर पर सो नहीं रही थी, ये कहना गलत होगा, सो नहीं रही थी। मैं बिस्तर पर थी तो उस टाइम क्या था कि मैं जग रही थी, लेकिन बट बिस्तर में थी और अपने मोबाइल पे काम कर रही थी। मेरे मोबाइल की जो स्टोरेज भरी है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही बताऊँ। आप कहेंगे कि क्या इतनी स्टोरेज भरी है कि मैं 1000 की ऊपर की, मतलब 1127 वीडियो मेरे मोबाइल में पड़ी है, तो जिसमें मैंने अपने अपने मोबाइल की वीडियो जो है रिमूव करी। और उसके बाद अब मेरे मोबाइल में मतलब 1086 वीडियो अब मेरे बची हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये जो है वीडियो रिमूव कर दूं, ताकि मेरी स्टोरेज जो है ख़त्म हो। और मैं ना मतलब क्या ही बताऊं कि मैं उस सारी वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मैं उस सारी वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आजकल जो है बिस्किट पता नहीं क्या पूरा का पूरा चूरा चूरा सा हो गया है। तो जय भगवान जी, जय माधव जी, आप सबका स्वागत है। और आप लोग भी बिस्किट खाना पसंद करेंगे कि नहीं? देखिए इतना बिस्किट चूरा हुआ था, ये तो कुछ सही लग रहा है। हम एक बार सब्जी चला के नहीं पकड़ेगी। ठीक, आप लोग यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं आ रही हूँ। मैंने सब्जी चलाया और चला के आ गई, और आप फाइनली आपको मेरी साड़ी देख ली होंगे कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है और कौन से कलर की है। और ये मेरा ब्लाउज है ग्रीन कलर का, ठीक है ना। और मैं बैटरी के दिशा में हूँ, उल्टा दक्षिण दिशा में, जो कि कहते हैं दक्षिण दिशा में ना खाना चाहिए ना सोना चाहिए, फिर मैं बैठी हूँ दक्षिण दिशा में। सोना भी नुकसानदेह है और खाना भी। हमारे जो बड़े बोले हैं ना, वो गलत नहीं बोले हैं। आप लोग भी चाय पी लो। मेरी काली काली कफ कैसी लग रही है, हमें लगता है एक बार हमें फिर से जाकर देख के गैस को बंद करना है। आप तो हम नमकीन को नहीं खा रहे, बता दें मैं गैस बंद करके आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ नमकीन क्यों नहीं खाते हैं, दक्षिण दिशा में क्यों नहीं सोते हैं। गैस बंद करके आती हूँ।
मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो दक्षिण दिशा में सोते हैं, मतलब बहुत ही हानिकारक होता है, दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं जान बची रहती है, और जब जान बची रहती है तो आदमी को किसी को जलाते हो तो वो ठीक तो है नहीं। आदमी मरा रहता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके शरीर में जान रहती है, इसीलिए दक्षिण दिशा में लटाया जाता है कि जो भी हो उनके अंदर प्राण जो बचा हो वो निकल जाए। बहुत ना के बराबर होता है लेकिन वो प्राण निकल जाए। पहले मैं जब छोटी सी थी तो मुझे नहीं पता था इस चीज़ का कि दक्षिण दिशा में हर क्यों लिटाते हैं, लेकिन यही कारण है। और जब जिंदा रहते हैं इंसान को दक्षिण की तरफ नहीं सोना चाहिए। दक्षिण की तरफ सोने से उनके धीरे धीरे जो प्राण है ना वो दक्षिण की दिशा में सोने से उनके शरीर से धीरे धीरे समय से पहले निकलना शुरू होता है, ऐसे कहते हैं। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा भी है जो समय से पहले गए हैं। उसमें मेरी एक सासू जी थी, उनको भी मैं कई बार बोली दक्षिण दिशा में मत सोइए, लेकिन वो अक्सर क्या वो रोज़ दक्षिण दिशा में सोती थी। एक दो लोग और हैं, मृत्यु अपने हिसाब से निर्धारित होती है, लेकिन जो चीज़ गलत है उसे हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जन्म मरण सब विधाता के हाथ में है, लेकिन अगर हम इस तरह के कुछ करते हैं तो हो सकता है विधाता हमें समय से पहले ऐसा कुछ करता होगा। जो एक नियम बनी रहते हैं ना कि अगर हम इस बाल्टी में बकेट में पानी रखते हैं तो ये बकेट जितनी क्षमता है उतना ही पानी रखेगी, और अगर मैं इस बकेट को पलट देती हूँ तो इस बकेट में पानी नहीं आएगा। तो वही चीज़ होता होगा कि भगवान ने एक नियम बनाया होगा, और वहाँ पर लोक में क्या होता है कैसे होता है मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है, और जो इंसान जाता है उसे ही पता होगा, लेकिन वो यहाँ आके बता नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ कुछ नियम होता होगा इस चीज़ का, तो उसके अनुसार ऐसी ही चीज़ें होता है। हस्बैंड आ गए दूध लेके और मैं कहेंगे कि यही तो ये यहीं वो कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। बाय बाय।